दोस्तों आज मैं जो आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूँ इसको सुन के आप लोग यकीनन हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बात बिल्कुल ही सच है। यहाँ पे पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जिसका नाम है सिंध। वहाँ पे आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा हिंदू जो है, अगर बात करें पूरे पाकिस्तान में, तो सिंध में ही रहते हैं, जहाँ पर उनका हालत जो है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सेकुलर कोई स्टेट है, पूरे मतलब जितना भी स्टेट है उसके बात करें, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेकुलर स्टेट जो है सिंध को माना जाता है। यहाँ पे सिंध में एक मूवमेंट भी चल रहा है सिंधु देश के नाम पे, जहाँ पे पाकिस्तान का जो या मौजूदा समय में ऑक्यूपेशन है पाकिस्तानी आर्मी का, बेसिकली बोलते पंजाबी आर्मी का, जिसके खिलाफ यहाँ पे बात करें बलूचिस्तान हो, पश्तूनख्वान हो, या फिर यहाँ पे बात करें सिंध को लेकर, यहाँ पे भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं जहाँ पे ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। यहाँ पे रिसेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे सिंधु जो देश के लीडर हैं या वहाँ के सपोर्टर जो है, ये मांग कर रहे हैं कि वो भारत के साथ ही मिल जाए। मैं आपको बता दूँ, आप लोग अच्छे तो जानते होंगे, जैसे कि एक समय में जो है, अगर बात करें आज के समय का, अगर हमारा जो एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, जो कि एक पहले देश हुआ करता था, बाद में सिक्किम के लोग जो है भारत के जो है इस रिपब्लिक के साथ जुड़ गए और भारत का एक राज्य बन गए, उसी तरीके से सिंध के जो लोग हैं काफ़ी सारे जो काफ़ी ज़्यादा इस बात पे विश्वास रखते हैं कि उनको तरक्की करना है, उनको जो है बेसिकली इस ऑक्यूपेशन से हटना है, धर्म के पीछे नहीं भागना है, वो लोग ये आज के समय में मांग कर रहे हैं उनको पाकिस्तान को छोड़ के अलग देश तो बनाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो भारत के साथ मिल जाए। ऐसे में क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि भारत का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और यहाँ पे कराची जो एक राज्य का बात करें सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब और कैपिटल भी है सिंध का, अगर बात करें वो जो है मुंबई माना जाता है पाकिस्तान का, अगर वो लोग भारत से मिल जाएंगे तो कराची का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा, सिंध में पॉवर्टी लगभग खत्म हो जाएगा। अब गुजरात को देखिए, गुजरात कितना डेवलप्ड है, सिंध के बगल में ही है, वहाँ पर धोलेरा गिफ्ट सिटी ऐसा शहर बन रहा है, सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट है $10 बिलियन का, दुनिया के सबसे बड़े बड़े फैक्ट्री वहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं पूरे के पूरे पाकिस्तान में लोगों का अंदर ही अंदर ये मानना तो जरूर है कि उनको भारत के साथ ही होना चाहिए था। और यकीनन मैं भी इस बात में मानता हूँ कि रीयूनिफिकेशन होना ज़रूरी भी है। दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर सिंध को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के दौरान यहाँ पे काफ़ी सारे जो है बर्बरियत किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा वहाँ के लोगों पर, और इस कारण से यहाँ पे लोग जो आज़ाद देश बनाना चाहते हैं वहीं पे काफ़ी सारे लोग भारत में भी मिलना चाहते हैं। मैं आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहता था, इस कारण से मैंने अपने सोच टाइम के जरिए आपके साथ ये खबर शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सोच टाइम को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार का वीडियो आपको भविष्य में भी देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।